कुश्ती अखाड़ा में लड़ाए परंतु आजकल भारतीय कुश्तीबाजो रस्ता पर से अने पोता माटे अखाड़ो लड़ी रहा है, न्याय माटे दंगल करी रहा है। 28 तारीखे देश ने नवी संसद नी भेट मड़ी परंतु तेज दिवसे रस्ता बहार जे कुश्तीबाजो छे ब्रिजभूषण शरण सिंह सामे जे आक्षेपो छे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना प्रमुख सामे जेना सामे बे एफआईआर पण लॉन्च थई चुकी छे ते मामले न्याय मांगी रह्या हता। एक तरफ सेंगुल नी स्थापना थई रही हती, ए दृश्यो दिवस दरमियान तमामे जोया, परंतु आ बे तस्वीर घणु बधु कही जाय छे। पहली तस्वीर हरिद्वार नी छे, आजनी छे, आज सांजनी छे, ज्यां तमाम कुश्तीबाजो पहोंच्या, अंते निवेरो न आव्यो तो कह्युं के भाई देश माटे जीतेला मेडल अमे गंगामां वहावीशुं। बीजी तरफ 28 मे नी तस्वीर छे, जे रीते कुश्तीबाजो धरना अने पोतानी मांग साथे रस्ता पर हता, कई रीते तेमनी साथे व्यवहार थयो, कायदो कायदानुं काम करे, लॉ एंड ऑर्डरनी स्थिति जाळवुं सरकारनुं काम छे, सुरक्षा दळोनुं काम छे, पण आ स्थितिमां ज्यारे आजे हरिद्वार तमाम रेसलर्स पहोंच्या, ए चाहे साक्षी मलिक होय, बजरंग पुनिया होय, विनेश फोगाट होय, अने तेमनी साथे तमाम ए कुश्तीबाजो जे पहोंच्या हता मेडल पधरावा माटे गंगामां, परंतु अंतिम घड़ीए राकेश टिकेटना भाई नरेश टिकेट आव्या, तेमने समजाव्या, गंगामां मेडल पधरावता तेमने अटकाव्या, तमाम मेडल नरेश टिकेटने सोंपाया छे। आ मुद्दामां आ जेटलो गंभीर मुद्दो छे, राजनीति पण एटली हावी छे, पण सवाल ए छे के आटला गंभीर मुद्दे हजु पण स्थिति खराब छे। रिएक्शन पण लई लईए, केम के एक पछी एक रिएक्शन पण आवी रह्या छे आ मुद्दे, गंभीर आक्षेपों मुद्दे। योजना क्या रहेगी, मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? देखो ये होगी बातचीत, बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी, ये सब बैठक तो होगी जी जी, और हम चुप थोड़े बैठेंगे। कब तक होगी बैठक, कब तक? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर होगी। अच्छा, सभी खाप होंगी इसमें या किसानों की होगी बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर जाती है कोई एक बिरादरी के लिए। आपने एक बात की है, बेटियों का सर नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकन देंगे, उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा गर्व का ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। 10 मिनट वो तो आप लोग देख सको, क्यों बैठी हुए धरने पर, मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते, उनकी बेटियों के मन में क्या बीतरी होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात। बेटियों को क्या आश्वासन? नरेश टिकेट राकेश टिकेट ना भाई चर्चा में था किसान आंदोलन समय पर, हमें फरीथी चर्चा में है, क्योंकि खाप पंचायत पर मरशे शांति थी जे मुद्दे मांग थई रही है, कदाच धरना प्रदर्शन पण थशे, पण सवाल ए छे के आटला गंभीर मुद्दा में जयरे सुप्रीम कोर्ट कहे त्यारे एफआईआर लॉन्च थाय, नार्को टेस्टनी पण वात थई, पण जे एथलीट्स देश ने गौरव अपावे, जे एथलीट्स नु सन्मान खुद पीएम मोदी करे, एथलीट्स नु सन्मान वधारे ने उत्साह वधारे फोन पर बातचीत करीने, ए एथलीट्स आजे न्याय माटे रस्ता पर छे। आ परिस्थिति छे, ઓલિમ્પિકના મેડલિસ્ટ છે, મજાકની વાત નથી, છેલ્લા 1.5 મહિનાથી આ વસ્તુ ચાલી રહી છે, પણ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંઘ સામે કાર્યવાહી કેમ નથી થઈ રહી, અથવા તો કેમ કડક કાર્યવાહી કરવાના મૂળમાં નથી, મજબૂરીઓ શું છે, ગંભીર મુદ્દો છે। ચર્ચા માટે 3 ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે, 2 ખાસ મહેમાન ગુજરાત બહારથી જોડાશે, આલોક ભદૌરિયાજી અમારે સાથે, વરિષ્ઠ પત્રકાર દિનેશ વોરાજી હે, દિનેશજી આપકા ભી સ્વાગત હે, આલોકજી આપકા ભી સ્વાગત હે, અમારા સહયોગી દક્ષેશ પાઠક પણ આપણી સાથે છે। આલોકજી આપસે શરૂઆત કરતે, આજ હરિદ્વાર પહોંચ ગયે, 28 તારીખ કી 2 તસવીર સામને આઈ, એક તરફ સેંગોલ કી સ્થાપના, લોકશાહી મેં સંસદ કા મૂલ્ય ક્યા હોતા હૈ યે સમજાયા ગયા પૂરે દિન, લેકિન દૂસરી તરફ જો દંગલ ન્યાય કે લિયે ચલ રહા હૈ, વો લોગ જો દેશ કો સન્માન દિલાતે હૈ, ઓલિમ્પિક મેં મેડલ દિલાતે હૈ, ઓર વહી उस स्थिति में आ जाए कि जो देश के लिए मेडल जीते, अगर हमें न्याय न मिले तो हम गंगा में बहा देंगे। 5 दिन का सरकार का अल्टीमेटम है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतने बड़े गंभीर मसले पर अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने कार्यवाही या फिर क्या मजबूरी रही? नीतिमत्ता के तौर पर तो कुछ होना चाहिए था, काफी सारे उदाहरण है भूतकाल में, मतलब पास्ट में अगर बात करें तो, अतीत में,
लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है इस केस में? धन्यवाद रोहित जी, मुझे यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही है। पहला, क्या इस देश में संविधान या कानून की दो किताबें, एक प्रिविलेज लोगों के लिए अलग और जो गैर प्रिविलेज है उनके लिए अलग। बलभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर आप याद करें तो FIR भी अगर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में, लेकिन चूंकि वहां पर उस याचिका में मांग ही FIR कराने तक सीमित थी तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वही अपने कदम रोक लिए थे, FIR का नेतृत्व दिया, FIR हो गई। लेकिन अब सवाल है कि जिस पॉक्सो एक्ट में जो बात होती है उसमें तो यह है कि गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए थी, नहीं हुई। बयान तुरंत होने चाहिए थे 164 में, नहीं हुए। तो अब सवाल यह है कि, और एक तरफ आप पेंगोल की स्थापना कर रहे हैं, पेंगोल की स्थापना को मैं वैसे नहीं मानता। पेंगोल एक ऐसा है कि ये लोकतंत्र में पेंगोल नहीं होता, ये उन्होंने उस दिन 28 तारीख को साबित कर दिया, क्योंकि ये तो राष्ट्रहीन होता। एक राजा दूसरे राजा को देता है और भगवान के वो कहता है कि भगवान के आप इकबाल से आप अपनी सरकार चलाएंगे, उसके निर्देश में उसके धर्म सम्मत होकर आप चलाएंगे, चाहे वो शैव का, चूंकि यहाँ पे चोला का मामला आ रहा है तो वहां पर वो शैव वाले। तो लेकिन सवाल ये है कि आपको चुना किसने है? चुना जनता ने है, राजा को आप राजा नहीं है। माउंटबेटन ने आपको भारत को नहीं दिया था। तो सवाल है कि पेंगोल की स्थापना तो छोड़िए, पेंगोल से ये साबित हो जा रहा है कि वो लोकतंत्र को कतई महत्व तो नहीं देते। उनका यह है कि एक अकेला सब पे भारी एक संसद के अंदर बयान दिया था और वही बयान इन्होंने दिया नहीं है बलभूषण सिंह ने, लेकिन यह भी आ गया कि एक अकेला सब पे भारी। अब सोचिए लड़कियों के यौन शोषण का ये सब आरोप पड़ा, बहुत ही गंभीर आरोप है। इतने गंभीर आरोप के बाद में भी इस देश में, ये नहीं कहता कि क्या हो रहा है निर्भया में, किस तरीके से लोगों ने भाग लिया था, मैं तो कहता हूं कि लोग क्यों नहीं सामने आए। सवाल तो ये है जंतर मंतर में कितनी भीड़ हुई, आप उसको फिर एक खाप के मामले से जोड़ दे रहे हैं, फिर एक आप उसको हरियाणा से जोड़ दे रहे हैं। ऐसी ही गलती आपने किसान आंदोलन के में की थी, उसको भी आपने केवल हरियाणा मतलब पंजाब के में पहले केंद्रित कर दिया था, फिर पश्चिमी यूपी में केंद्रित कर दिया था। देखिए चुनावी सफलताओं का मतलब ये नहीं होता है कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। लेकिन अब एक बात है, मैं नरेश टिकैत का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वहां पर गए और 5 दिन का समय लेकर उन्होंने उनको रोक लिया, क्योंकि अगर वो कह जाके तो भारत की प्रतिष्ठा बह जाती है, खून पसीना जो इन खिलाड़ियों ने बहाया था वो बह जाता है, देश की इंटीग्रिटी बह जाती है, देश आप किस आधार पर रहते हैं, सॉवरेंटी बह जाती। लेकिन भदौरिया सर एक सेकेंड, क्या इतने गंभीर आरोप जो लगे हैं बृजभूषण सिंह के सामने, एक वक्त था हमें किसान आंदोलन के वक्त जीप चढ़ाई गई और मंत्री जी का बेटा अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से वो हाजिर हुए, वो भी देश ने देखा, लेकिन क्या इतने गंभीर आरोपों के सामने पॉलिटिकल मजबूरी इतनी बड़ी है? क्योंकि आज जब हंसराज हंस दिल्ली में जो एक लड़की का कत्ल हुआ बहुत ही बेरहमी से, उसके परिवार से मिलने गए तो कहा कि पीएम मोदी इस घटना से बहुत दुखी है, लेकिन पीएम साहब हमारे टोक्यो में जब ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं तो उसके साथ मतलब उत्साह बढ़ाते हैं, मन की बात सुनते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन ये सब उन तक भी पहुंच रहा होगा, तो मजबूरी क्या है? देखिए वो मजबूरी क्या है उसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जो टेनी बाबू है उनके बारे में भी ये माना जाता था कि वो कई सीट पे प्रभाव डालते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर सारा पैमाना लोकतंत्र और कानून के लागू होने का इस आधार पर तय होगा कि कौन कितनी सीटें जिता सकता है, क्या सत्ता सिर्फ इसलिए होती है कि कौन कितनी सीटें जिता सकता है? इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने तमाम जगह मतलब ये इनके प्रकरण में आगे नहीं बढ़े थे, एक वोट कम था, उन्होंने सरकार जाने दी थी। सवाल है कि वो सरकार तो बची नहीं। अब सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि क्या है ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है केवल संख्या बल पर लगी है, केवल बहुमत के आंकड़े पर लगी रहती है, इसका सारा ध्यान इसी में रहता है, चाहे वो लोकसभा का बहुमत 272 का आंकड़ा कैसे पार करे, विधानसभा की जो सीटों का जो बैरियर होता है वो उसको कैसे पार करे, और ये सिर्फ उसी पे ही कंसंट्रेट रहती है, उसके अलावा इसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। अगर चल रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस देश में फास्ट ट्रैक की भी अवधारणा है, फास्ट ट्रैक पर फैसले भी हुए हैं, आज 1-1.5 महीने से हो गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लीन चिट भी देनी थी तो क्लीन चिट दे देते ना, आपने दिया क्यों नहीं? फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर किस लिए बनी है, क्यों नहीं उसको उसका सहारा लिया गया?
ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यही एक आपका अदानी वाले मामले में, अदानी वाले मामले में भी आपने किया, आप एकदम चुप्पी साध लेते हैं, भाई सारे शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, भाई ऐसे कैसे चलेगा लोकतंत्र, कैसे चलेगा भाई? सरकारें चलती है इकबाल से चलती है। अगर आज लोगों को, लड़कियों को, बेटियों को, आपका मामला क्या है? आपका मामला ये है कि बेटी बचाओ से लेकर आप ब्रजभूषण बचाओ तक में ये सरकार है, क्यों है भाई? इसने ये फासला कैसे तय कर लिया, किसने तय कर लिया? बेटी बचाओ में ब्रजभूषण बचाओ में चले जाएंगे, इससे पहले वो मतलब आप पहले वो आशीष मिश्रा बचाओ अभियान चल गया था। तो आप अगर ये बचाने में ही चलेंगे तो ये तो लोकतंत्र तो नहीं है। लोकतंत्र के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, लोगों को असहमति का भी अधिकार देना होगा और लोगों में ये पैदा करना पड़ेगा, भाव पैदा करना पड़ेगा कि सरकार उनके लिए है। सरकारें इकबाल से चलती हैं, केवल कहने सुनने से नहीं चलती। अगर इसी तरीके का इकबाल होगा तो आप ये अंदाज लगाइए कि आज मामला कहां से कहां पहुंचा। बाराबंकी से मामला वहां पहुंच जाता है, इसी एक चंडीगढ़ में भी मामला पहुंच जाता है। नहीं, लेकिन ये संसार करने वाली तस्वीरें सही बोला दिनेश जी। जो भदौरिया साहब ने कहा कि जो तस्वीरें चल रही है पिछले एक महीने से, 28 तारीख को भी चली, संसार करने वाली तस्वीर है, और डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के हिसाब से जीएसटीवी हर बार बेबाक तरीके से वो चीज रखता है जो लोगों के लिए जरूरी है, इतने गंभीर आरोप, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बाद ऐसी तो क्या मजबूरी जो ओलंपियन या ओलंपिक मेडलिस्ट इस तरह से रास्ते पर भटके न्याय के लिए। मैंने आलोक जी की बात सुनी, नमस्कार आप सबको, और मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूं, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये नारा तो बड़ा सशक्त है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ ऐसा लग रहा है अब तो, और उसमें एक दो नहीं बहुत सारे हैं। आप सोचिए, राम रहीम बलात्कारी है, हत्यारा है, कन्विक्ट है, लेकिन उसके चरणों में भाजपा के मंत्री लेटे हुए हैं, मेयर लेटे हुए हैं, विधायक लेटे हुए हैं। आप यकीन नहीं मान सकते कि एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वो आपको हरियाणा में, पंजाब में कुछ वोट दिलवा सकता है तो आप उसके चरणों में लेट जाएंगे, जबकि वो बलात्कारी और हत्यारा है। ये कहानी पहले आशाराम बापू के साथ भी थी। आप यकीन मानिए कि नारी के सम्मान की बात करना और नारी को सम्मान देना दो अलग चीजें हैं इस पर्टिकुलर रिजीम के अंदर, जो भाजपा का रिजीम है। जब ये नारी को सम्मान देने की बात करते तो आप इन पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि जिस देश में, जिस समय लोकतंत्र के मंदिर नई संसद का उद्घाटन होता है, उस समय नारियों का अपमान होता है, उत्पीड़न होता है, और एक तरह से कहा जाए तो उनके प्रति जो सरकार की घृणा है वो नजर आती है। और तो और एक आईपीएस अफसर यहां तक कहते हैं कि हाँ हम गोली भी मार देंगे, 129 के अंदर हम गोली मारने का अधिकार है। और एक लास्ट का जो वाक्य लिखा, मुझे भी वो वाक्य पढ़ के घृणा हुई कि अब मिलते पोस्टमार्टम की टेबल पर। इस जैसे वाक्य जो सरकार के अधिकारी पहले रह चुके हैं अगर यूज करते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर जो निम्नतम स्तर हो सका वहां तक पहुंच गए हैं। दूसरी बात, पोक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो तुरंत गिरफ्तारी उसके अंदर होती है और उसमें बेल नहीं मिलती है, लेकिन पोक्सो एक्ट लगाने के बाद भी दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट नहीं लेती है, गिरफ्तार नहीं करती है, इंक्वायरी नहीं करती है, और ये आदमी संसद में जाके फोटो खिंचवाता है, उसको सोशल मीडिया पर डालता है। यानी कि आज यौन शोषण का आरोप हो तो आपका बीजेपी में स्वागत है, आप हत्यारे या आप हो सकता है किसी और अपराध के आपके ऊपर आरोप हो तो आपका स्वागत है। जब भारत का गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा, उसके ऊपर अपराध, इतने सारे मुकदमे चल रहे हो, लेकिन मोदी जी उसको भी नहीं निकालते हैं। दरअसल ये एक ऐसा रजीम है जिसे शायद जो अपराध मैसेज किया जा रहा है दिनेश जी, ये मैसेज किया जा रहा है एक डेढ़ महीने से जो चल रहा है, रात को जो जंतर मंतर पे हुआ, हमने वो फाइट भी देखी, एकाद पहलवान को सिर पे चोट भी लगी थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है क्विक रिएक्शन लेके मैसेज किया जा रहा है लोगों में। मैसेज बहुत क्लियर है कि हमें सत्ता बहुत प्यारी है, जो आलोक जी ने कहा है, सत्ता के लिए हम किसी भी कीमत पर किसी का भी त्याग कर सकते हैं, और अगर हम नारियों का भी त्याग करना पड़े, ये नारी पहलवानों का त्याग करना पड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनका भी त्याग करना पड़े हम कर देंगे, लेकिन चूंकि वो यौन शोषण वाले एक आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह हमको दो चार सीट दिलवा सकते हैं तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते। प्रायोरिटी इस सरकार की बहुत क्लियर है कि हम नारी सम्मान की बात करेंगे लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दोषित हैं,
जो व्यक्ति कानून की नजर में अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मैसेज इज वेरी क्लियर, अगर आप भाजपा में हैं और कितने भी बड़े अपराध कर लो ना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और तो और तब तक एफआईआर नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा। मुझे लगता है रूल ऑफ लॉ और भारत के संविधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ये देश किस दिशा में आगे जाएगा इस बात का फैसला देश की जनता को ही करना होगा। वो फैसला जो कर्नाटक में हुआ है वो फैसला देश में करना होगा, ताकि नारी के अपमान का जो ये सिलसिला चल रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। ये नहीं रुका तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। जी प्रवीण जी, दक्षेश जी हिंदी में बात करेंगे, दो गेस्ट हमारे बाहर से है तो कन्वीनियंट अगर उनको रहे। जो है रास्ते पर न्याय के लिए, मामूली लोग तो नहीं है, देश को सम्मान दिलाया है, और बाकी के साथ जो हुआ है, एक तो नाबालिग उसमें है, तो इतने गंभीर आरोपों के बाद भी ये इतना लंबा चला, अभी तक वो कंक्लूजन नहीं आया, न्याय नहीं मिला, किस तरह से देख रहे हो? जो आप हम इंडियन स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, सब खेल महासंघों की बात करते हैं, और उसमें जो होता है अगर बेबाकी से वही प्लेयर बाहर लाते हैं तो फिर क्यों इसको इतनी सहजता से लिया जा रहा है? आपको एक पार्टी बनानी है, आपको दोनों को बराबर का 25 कुछ भी कर लीजिए, लेकिन राजस्थान के 5 साल तो वापस नहीं आएंगे ना। राजस्थान के जो लाखों नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, जो पेपर लीक, दक्षेश भाई पेपर, ये सारा नाटक हुआ, नेटवर्क बंद कर देना वगैरह वगैरह, वो वापस तो नहीं आने वाला। जो किसानों के साथ धोखा करा, जो बड़े बड़े बातें करके, वो वापस नहीं आने वाला है। जो मैं भी दक्षेश भाई टीवी थी ऑडियो सांभळे छे, ના મારો તો ઓડિયો બંધ છે પ્રવીણ ટીવીમાં. ઓકે સર, અવાજ મારો સવાલ સંભળાવો સાહેબ, સવાલ સંભળાવો સાહેબ દક્ષેશભાઈ. હા મારો, હા હા તમારો સંભળાય છે, મને કોઈનો કોઈના ટીવીનો ઓડિયો બહારથી આવે. ઓકે ઓકે, મારો સવાલ સંભળાયો આપને તો આપ આન્સર આપી શકો. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ, પ્લીઝ સર, બિલકુલ. હા પ્રવીણ, તમારો સવાલ રિપીટ કરશો કે મને એ વખતે કોઈનો ઓડિયો આવતો હતો? सर जो लोग रास्ते पर है वो तो बड़े लोग है, मतलब मामूली लोग नहीं, और साथ जिसके साथ अन्याय हुआ एक नाबालिग भी है, फिर भी इतना संघर्ष करना पड़ा, कर रहे हैं अभी तक, तो क्या ये मैसेज जा रहा है स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी के लिए, सभी खेल महासंघों के लिए, और क्या मजबूरी है कि इतनी सख्ताई नहीं दिखाई जा रही है? प्रवीण, एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है, हालांकि ये शेर शायरी का विषय नहीं है, बट बहुत ही चोटिल कहा है कि अगर उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के बारे में आपने जो कहा, तो इस फ्रेटर्निटी ने भारत की खेल कूद की जो प्रजाति है उन्होंने अपना जवाब दे दिया है कि वो क्या है। इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध के आईपीएल की फाइनल में 1,35,000 लोग इतनी भीड़ से इकट्ठे होते और देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत के इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन करने वाले जो खिलाड़ी है, जो लड़की है, उनके लिए एक एक भी स्पोर्ट्स लवर वहां जाता नहीं, एक क्लब्ज नहीं उठाता है, एक कुछ भी एक शब्द नहीं बोलता। तो इट कैन नॉट बी ए बिगर शेम फॉर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, स्पोर्ट्स पर्सन इवन। आप देखिए कि भारत में कितनी कितनी तरह की स्पोर्ट्स खेली जाती है, कितने प्लेयर्स कितने मेडल जीत के आए, उन्होंने भी एक भी ने कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट कुश्ती के जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है। इससे बड़ी शर्मजनक बात कोई नहीं है, और सबसे बड़ा ब्लेम जाता है इस सरकार को। जैसे दोनों हमारे गेस्ट ने कहा कि ये ब्रिज भूषण को बचाने की क्यों इनको इतनी पड़ी है, मान लो कि वो अगर सच्चे है तो सरकार का क्या जाता है कि पहले आप उसको बोलो यू रिजाइन, लेट द लीगल प्रोसीडिंग्स बिगिन, और अगर आप निर्दोष है तो यू विल बी रीइंस्टेटेड, एंड अगर इनके एक्यूजेशंस गलत है तो दे विल बी ट्राइड। क्या क्या हर्ज क्या है, ये तो शील्ड कर रहे हैं बिल्कुल। और जिस तरीके से इन लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से उठा के वो लोग ले जा रहे हैं, इट इज नॉट ओनली ए केस ऑफ इंसल्ट, बट कुछ तो सीन्स ऐसे दिखते कि मोलेस्टेशन ऑन रोड हो रहा है। क्या क्या बोले इन लोगों को, 140 करोड़ लोगों की, आई डोंट हैव वर्ड टू डिस्क्राइब देयर इनसेंसिटिविटी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में जो L23 नाम का एक जो होता है ना, जो हमारी संवेदनाओं का वहन करता है, हाँ, वो मुझे लगता है कि 140 करोड़ का घिस गया या टूट गया है। ये दृश्य आप देखिए, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए।
और आराम से लोग जलसा कर रहे, इट इज समथिंग इज रॉन्ग विद द पीपल, विद द नेशन, विद द रूलर्स, जो हमें ये देख के ऐसा लग रहा है कि हम जिस दिशा में जा रहे बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रहे, और आज चुप रहे और ऐसे लोग बिना डरे सत्ता पे रहे, घूमते रहे, आज जो चुप बैठे उनकी बेटी अभी सेफ नहीं है। ये बहुत ही शर्मजनक बाबत है और सरकार को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अभी भी करनी चाहिए अपनी नाक बचाने के लिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे, हम जस्टिस नहीं दे रहे, हम जजमेंट नहीं दे रहे कौन सच्चा है कौन झूठा, बट एटलीस्ट यू गिव ए चांस फॉर फ्री एंड फेयर ट्रायल टू दिस गर्ल्स, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको उठा के फेंक रहे, और जब मेडल्स नदी में बहाने की नौबत आए तो ये मेडल नहीं, भारत की प्रजा की सेंसिटिविटी इन एक्शन और पूरे भारत की अस्मिता का नदी में बहाया जा रहा है। शर्म करो, शर्म, इट्स अ शेम। ओके, एक 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 मिनट नो समय बच्चो से, एक ही मिनट का समय है भदौरिया जी, और एक एक क्विक रिएक्शन दिनेश जी और आपसे भदौरिया जी से। भदौरिया जी से आपसे स्टार्ट करेंगे, पांच दिन का अल्टीमेटम, क्या मामला निकलता हुआ दिख रहा है, क्या पेच फंस गया, या फिर ये पांच दिन में कोई रास्ता निकाल लेंगे, या फिर ये लंबा चलेगा, या फिर सकता है दिखेगी? मुझे नहीं लगता कि प्रवीण जी कि ये पांच दिन के अंदर कोई रास्ता निकलने वाला है। किसान आंदोलन बिल्कुल याद करिए आप, उधर जो बाराबंकी में जो ट्रेनी के जो बेटे आशीष मिश्रा वाला कांड वो याद करिए। ये किसी भी मामले में तत्काल नहीं बोलते, ये बोलते किस मामले में, अभी जैसे जो आपने जो बताया दिल्ली वाला, कोई एक लड़का ने किस तरीके से उस लड़की को मारा, वहां पे एंगल कौन सा है, तुरंत वो आ गए, सारे के सारे भाजपा के प्रवक्ता भी आ गए, सारे के सारे सब आ गए, सारे रिएक्शन आ गए। तो जब भारतीय लोगों को, जब भारतीय जनमानस को इस तरीके से बांट दिया गया है, इस तरीके से उन्हें जहर बो दिया गया है सांप्रदायिक उन्माद का, तो आप ये मान करके चलिए कि बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को सफर। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, मैं लोहिए वाले शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करता हूँ कि जिंदा कौमें चुप नहीं रहती, ये मानना पड़ेगा, ये हकीकत है। एर्दोगान भले ही जीत जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा दोबारा होगा। ओके, 40 सेकंड्स दिनेश जी। मुझे, मैं आलोक जी से बात से सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होगा। और मोदी जी जब एक बार मन बना लेते हैं तो मन बदलते नहीं, हमने टेनी के केस में देखा है, उन्होंने मन नहीं बदला, इस केस में भी मन नहीं बदलेंगे। वो लोगों को फ्रस्ट्रेट करते हैं निर्णय ना लेके, या जो निर्णय लिया उस पर स्टिक करके कि मैं निर्णय बदलता नहीं हूं, निर्णय नहीं बदलेंगे, लेकिन इसके परिणाम उनको हरियाणा के चुनाव के अंदर नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, भारत की जनता देख रही है, भले ही दिल्ली की पुलिस ना देखे, भले ही मोदी जी अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ना एक दिन इस पाप का भी घड़ा भरेगा और न्याय जरूर मिलेगा, चाहे कहीं से भी मिले। okay. देश ने संसार करती तस्वीरों, जिमने सम्मान अपाव्यू, देश ने गौरव थी माथू ऊंचू कराव्यू, ये झवे जो गंगा में मेडल वहावा जाए तो सवाल थाय कि आटला गंभीर मामला सकता है केम नहीं। जजमेंट आपवा नथी बैठा, परंतु जे दृश्यो छे એ દ્રશ્યો કદાચ અમારા શબ્દો કરતા વધારે વર્ણવવા માટે કાફી છે કે સ્થિતિ શું કઈ તરફ જઈ રહી છે। પાંચ દિવસનું અલ્ટિમેટમ છે અને એવી તો કઈ મજબૂરી છે કે સત્તાય નથી દેખાડવામાં આવી રહી। ધન્યવાદ દક્ષેશજી, આલોકજી અને વોરાજી ચર્ચામાં જોડાવા માટે। આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ, નમસ્કાર।